कैसे? अरे भक्ति
देते हैं कि होता है अपमान सुनो। दुल्हा के मामा रमेश ठेकेदार के आप साला जी आज की ओर से 151 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। आप प्रेमियारी गोविंद प्रधान बेल के धरती से आज की ओर से 200 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। और प्रधान होता गोविंद प्रधान जैसे प्रधान में घाटा चला था धीरे धीरे आए प्रधान जी के बहुत जिम्मेदारी होने सही कहत हुआ यानी वृद्धा पेंशन माया पेंशन बड़ा तमाम पेंशन ए भैया हमार पेंशन के दे हम पेंशन खुद ही लेते हैं सबसे आप लोग पेंशन न देते हुआ अब ऐसे बच्चों के पेंशन का चाहिए हाँ सब पेंशन है पेंशन आवा था कोई एक दिन पेंशन अपने नौकर चाकरन के द्वारा बुला करके कहीं के समय की जा द्वारकापुर में जा कर अपने आप के कृष्ण बनत हुआ उसे चक्र मुकुट दोनों मांग लिया लोग बना लो गए ए भैया गैला जाके द्वारकापुर के दरवाजे पे आवाज लगा ओ कन्हैया भैया जी द्वारकापुर महल से बाबू जब बाहर निकलना तो करण की ओर चार को दूध कमा से कर लिया कहा जी का हाल चाल है अके भोगी महाराज हाल चाल हमार का मत पूछा ऐसा न कि जो इस चक्र मुकुट हमारे महाराज का लेकर के तू ढूंढ रहे चले हुआ कृष्ण बनल हुआ बाकायदे चक्र मुकुट देगा और ना देगा तो हमार महाराज तो के मौत के घाट भी उतार देंगे। इतना बात द्वारका पुर के कन्हैया जब सुनना मन मन हंसा था कि अरे और महाराज
पास के इतना दावत है, इतना ताकत है, चक्र हमार मुकुट हमार, हम दे तो हमके मौत के घाट उतारी। एक ठे बात जात बोल दी है, जो अपने महाराज के बोल दी है, असली यदि कृष्ण हुई है, लड़ाई करके वो चक्र मुकुट तो मोले जी। ग्राम प्रधान सुल्तानपुर के धरती से आप रम आवे अशोक जी, आप जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते प्राप्त, आप सब भयंकर नमस्ते प्राप्त पहुंचे। और अशोक प्रधान जी का पूरे जवाहर में नाम है, सही कहतुआ के प्रधानी करे में बड़ा समस्या जिले के होला, इसी प्रेस में जोड़े देता हूँ, विधायक कोई हो सकेगा, आप प्रधान तो गिन चुनल हो कि नहीं फलनवा के बनाओ के तो बनाओ के बताओ तो वासुदेव महाराज के का कहते कन्हैया जी। लड़किया बेचारी अपन परेशानी बताओ तो परेशानी का रहा है, अशोक प्रधान जी की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार हमारे ढोलक मास्टर के ला हो रख रही है। 50 रुपए का पुरस्कार हो रहे हारमोनियम मास्टर के, दो गो भैया रह गए नहीं हो रहे पंद्रह ठे कम हो अपने घर से कहीं का मांगा लो। संजीव कुमार भारती बेन से, संजीव कुमार भारती बेन से भैया ये ऑटो के ड्राइवर, अच्छा ये मोलई राम सुल्तानपुर से दिया, आपकी ओर से भी 50 रुपए का पुरस्कार। अजय भोजन करने के बाकी होकर जाकर के आप लोग भोजन कर लें, बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। आप हमारे धर्म के भाई हैं,
तो सरेरिया में से लगे के धुआं फटत रहे हैं। माई बनौले हैं, घर परिवार भैया बने रहे और इतना दिन से गावत है हम, लेकिन ये कबो हमके फील ना होखा कि शंकर बजावत हुआ कि दुलारे भैया बजावत हुआ। अब कहना बा लड़की बता बतिए कि वो ही रे जगह ही दाते काट लेने राजा। अरे भैया कहां कटले रहा हो? हां आ जन भई आज तक हम पते ना लगा सकले, हम तो हमके जानकारी भई कि कोने जगह सारे कटले रहा। हां एको पता तीन जने लगौले हो के हो? आसाराम नारायण साईं फलहारी बाबा राम रहीम जी चार जने हो गइल। हां तो ये सब की जानकारी तो हमके बेसे मिलो नहीं कहीं चेला हाँ। तो ये कैसे बच गए? यार ढोलक बजावे में बच गया। ऐसे प्रचार लोग मत करें और नहीं तो यूँ धीरे से सरक जाए। चल रही है तो हम लोग हम लोग में घूम कर तो देखा तो बता गई फिर है को प्राप्त हो रहे हैं। कन्हैया जी कहो तो हम का कहन भैया
से, मुगल सराय हल्दीपुर की धरती से आप राम आश्रय पर भैया जी के ओर से इधर देखे थे खा कर। मुगल सराय की धरती नामी धरती है, जेकर तुम जोड़े ना बा ए भैया बिरहा का घाट गढ़ है। यदि गवैया गरीबों गवैया चल जाइए तो वास्तव में लगा कि हम बरसात होत बा रुपया दशक रहिया, लेकिन गवैया खुश होकर के आवल उ मुगल सराय के धरती है। आ गवावे के पूरा दिल में तमन्ना रखे ला ए भैया एहन भैया दवा से भाव में बतावल गई Come on.
Yeah.
महादेवपुर के धरती से राम आश्रय ग्रहण किया की ओर से ऐ बाबू स्वभाव पर खुश होकर के 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम आप सब भेंट के नमस्ते प्रणाम पहुंचे। दुल्हा के बाबूजी परिवार के पते न चलत बा आखिर के तिलक चढ़ावे यार बा। अरे यार गवैयन का यहाँ खून जलत बा परचे करे के चाहिए शौक से जितना शौक से बिरहा का कार्यक्रम निकल गई है उतना शौक से आप लोग आ करके कम से कम 200 पीस ना दे तो कम से कम अपन का चेहरा तो लोग दिखाता। दुल्हे राजा कैसन हो हम काम सवेरे भेंट कर जितना काशी नरेश कस्मल राजा के सेना रहल डर के मारे भागे लगे। अरे महाराज चला जान बचावा लोग यहाँ से जान बचा रहे कैसे ऐसे लड़ाई करेंगे बड़ा मिली जान बचे तो लाखों पर लेकिन भैया हो यार वासुदेव महाराज के कन्हैया जी एक ही बात रहला बिरहा के शैली में बता दो कन्हैया जी कहता कातिल रवैया जो होता जग में उसका इतिहास बना ताली जो कर जाए उसका मिथ्या खबरदार शेर हुआ बहादुर हुआ देवा 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 भैया चल के सवेरे जूस लगा रहे हैं इसमें कार्यक्रम चलत है। हां तो ही रियाज करके बचवा ले ले। हां 65 वाली लगा ली। 15 हां हो जा ये सब मत करा करे जवा जर जाए तो कौनो काम अरे भाई तुरंत काम करा रात तुरंत ना छड़ भर के ना जाए करो का। अच्छा ये हो लोग थोड़ा ललाई होते हैं कब का हम मेहनत ना करते हैं हां कदा बेचारा की आत्मा जुड़ा जा आत्मा के शांति मिले वही तो भाग कर लिया ना एक भाग जाए अब देख किसे ले लिया ए भैया कन्हैया जी का होगा सुने हाँ गली पे तो ही सार हर गली का भीतर गली अब ना बनाई करवा अब ना असली कन्हैया नकली कन्हैया का ऐलान करवा अब लड़ाई हुई चला देखल जाए आए हाय ए भैया जे कातिल रवैया है जे वीर है जे बहादुर है होकर ये दुनिया संसार में इतिहास बनल है झूठ का तलिया ठोकने से तो वीर बहादुर ना बन जाएगा कन्हैया ना बन जाएगा रेलो सार ना ना भी रहा नहीं रह जाएगा पहाड़ में बता दे कैसे Yeah.
पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार दुलरचंद के साहू के भाई धीरज कुमार एंड रुद्राज आप जी के ओर से एक सवेद रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्त प्राप्त आप सब बहुत नमस्त प्राप्त घरात मलिकार लड़की के आप चाचा श्री अनिल दुलही के आप चाचा जी आप जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार रामा चाचा और कैलाश चाचा हो जाए भैया हो जाए बैग की धरती से आप लड़के के ना लड़के के पिता श्री दुलारे आप जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत तरह से प्राप्त आप सब बहुत तरह से प्राप्त होते हैं मालिक करे दुल्हार दुल्हन के जरूर सदा सलामत रहे कन्हैया जी का जब दोबारा चक्कर चला ओ लड़ाई में बाबू यहाँ वासुदेव काशी नरेश कृष्ण राजा वासु महाराज वासुदेव महाराज जी दोनों मारे गए जिसमें काशी नरेश कृष्ण राजा का गर्दन करके जाकर के काशी महल में गिरा काशी नगरी घुला ही गई काशी नगरी हिल गई है पंचो लेकिन घर परिवार जब देखला सो तड़प तड़प के रोत मा दुल्हनिया तड़प के रोत मा लेकिन बेटा 16 वर्ष के मात्र बना 12 वर्ष के लड़का यह लड़का तड़पत बा कलस की बाबू ए बाबू एक तोहरे मौरिया के कबर उतरलस बाबू कुछ समय के बाद पता चलल कि कन्हैया के चक्र से काशी नरेश कस्मत राजा के पद हो गई जब इतना पापो लड़का बना सुनता है तो कहता है क्या कहता है मास्टर आहा लगे ¡Gracias!
बच्चों, बनाव लड़का जब पता चला कि हमारे बाबू जी कंदर्प कन्हैया कृष्ण कन्हैया के चक्र से भय था, भोलेनाथ जी का तपस्या लड़का जाके करे लगा। भोलेनाथ जी का जब तपस्या करे लगा, वो तपस्या पे प्रसन्न होकर के भोलेनाथ जी को प्रकट होना पड़ा। आज जब प्रकट भैलन है पंचो, तो करण की बेटा, ओ बेटा बना, क्या मांगना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास ऐसी समस्या आ गई बेटा कि चुकी मुझे याद किया। लड़का बतौलस की आंख खुलस तपस्या करत रहल, आवाज जब सुनलस प्रभु का, तो नजरिया के खोल करके बाबू तकलस तकलस के ही प्रभु आंख से आंसू छलक गए। प्रभु हमरे बाबू जी के पद पर कृष्ण कन्हैया के चक्र से पहल बा और उनके चक्र से लड़ाई करे बदे के हमरा की कोनो कृत्या तैयार कर दे। प्रभु यही भी हम आपको तपस्या करत रहने ताकि अपने बाबू जी का हम बदला हो कन्हैया से हम ले सके। हमके कोनो हथियार दे दे प्रभु, कोनो हथियार दे दे। भोलेनाथ जी हंस करके बोले, क्या बेटा तुम लड़ाई कर सकते हो। प्रभु जाओ, यो मस्त कृत्या तैयार हो गई। जब कृत्या तैयार हो गई पंचो, तब कृत्या से चक्र से लड़ाई होने लगे। चक्र के प्रहार से कृत्या हार करके जा करके काशी नगरी में गिरा। जहां जहां कृत्या गए बाबू, तहां तहां काशी जल के राख हो गई। बिरहा गावे से पहले आप सब प्रेम के बतौली हो कि हमें बिरहा के शीर्षक काशी जले कैसे और जल करवासी कैसे। यही कृत्या के प्रहार से काशी जल के राख भई। अब बसाओ बता के तपस्या का के भोलेनाथ जी पूछे कल पेड़ के धरती से आप प्रेम आदरणीय काशी राम लड़के के पिताजी, बड़े पिताजी की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम आप सब से प्राप्त पूछे। बना से पूछे कि क्या अब तुम्हें क्या चाहिए। लड़का बनार कहलस के प्रभु अब हमारा के कुछ न चाहिए, एक हमारा बात सुन का कहन दिया। धरती से आप प्रेम भैया गौर से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत
पतियों के सतवा लेके चलन एक रुपये आज चलना तो काशी नगरी के अपने त्रिशूलिया पे बरसा ले है। अब दूसर का काम का कह रहे ये देखिए जिला कैमूर भगुआ से दुलारे के छोटा साधु के छोटा साधु ये धीरज कुमार धीरज के पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार जितेंद्र कुमार भारती जी आप रहे 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते प्राप्त आप सब भेद नमस्ते प्राप्त पहुंचे बड़ूरे की धरती से भैया काशी बनारस की नगरी में जाने ला कोई कहला काशी कोई कहला बनारस तो बनारस कैसे पड़ा काशी नाम कैसे पड़ा भोलेनाथ जी त्रिशूल पे तो काशी नगरी के बसा लेलो लेकिन दोनों प्राणी गौरव पार्वती जी भोलेनाथ जी एक बालों के रेत पे काशी नाम के पुत्री पैदा किए फिर उसी बनार को लेकर के काशी महल में गए बनार के नाम से बनारस पड़ा काशी पुत्री के नाम से काशी पड़ा